पंचायत राज के चुनावों में आज परिणाम सामने आया है। 11 बजे मतगणना शुरू हुई और अब पूरी तरह से क्लियर रिजल्ट है। कोटा जिले में जहां पर जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, जहां 22 वार्डों की आज मतगणना हुई, जिनमें से 13 बीजेपी के खाते में गई है, वहीं 9 कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने एक निर्विरोध सीट वार्ड नंबर 15 पहले ही जीत ली थी। ऐसे में जो फाइनल आंकड़ा रहा है वह 13 और 10 का रहा है, बढ़त बीजेपी के खाते में है। उसी तरह से कोटा जिले की जो 5 पंचायत समितियां हैं उनमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, वहीं 2 में कांग्रेस बढ़त में रही है। खैराबाद, सांगोद और सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, तो इटावा और लाडपुरा में कांग्रेस आगे रही है। कांग्रेस की लाडपुरा सीट से 10 सीटें जीती है, जबकि 3 बीजेपी के खाते में गई है, वहीं 2 जो निर्दलीय जीते हैं। ऐसे में स्पष्ट बहुमत यहां पर कांग्रेस को मिला है, वहां पर कांग्रेस आसानी से बोर्ड बना लेगी। नईमुद्दीन गोड्डू वहां पर जो है प्रधान बन सकते हैं, वह प्रबल दावेदार प्रधान बनने के हैं। इसी तरह से सांगोद में भी भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटों में से 13 में जीत मिली है, वहीं 6 कांग्रेस के खाते में गई है। ऐसे में पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह अमृतकुआ हैं जो वहां पर प्रधान का दावेदार हैं और स्पष्ट बहुमत होने से वे प्रधान बन भी सकते हैं। इटावा की बात की जाए तो वहां पर स्थिति थोड़ी नाजुक है। कांग्रेस बढ़त में तो जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी टक्कर में है। 17 सीटों में से 8 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं, वहीं 7 में बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 2 निर्दलीय हैं। ऐसे में जो जादुई आंकड़ा वहां पर 9 का है, उसमें निर्दलीय खलल डाल सकते हैं। दूसरी तरफ सुल्तानपुर और खैराबाद की बात की जाए तो वहां पर भी भाजपा बढ़त में है। ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी वहां पर प्रधान अपने बैठा सकते हैं। मनीष गौतम, ईटीवी भारत, कोटा।